ये डेथ नोट का वो बुक मार्क यहाँ जो तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने एक मांगा खरीदी थी ये वन सो इट्स 11:53 और मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने से इंतज़ार कर रहा था इस दिन का कि कब ये दिन आए और मेरा पार्सल आए और कब मैं उसको ओपन करके देखूं निहारूं कि कैसा लगता है। तो आपको पता तो चले ही होगा टाइटल देख के कि मैंने मंगवाई है एक मांगा वन पंच मैन की वॉल्यूम 1। मैंने आज तक कोई भी मांगा नहीं पढ़ी है। हाँ, मैंने टोक्यो घूल की कुछ 2 से 3 वॉल्यूम्स पढ़ी थी, पर मुझे एक्जैक्टली याद नहीं कि मैंने कितनी पढ़ी, क्योंकि वो मैंने फ़ोन में पढ़ी थी, जो मतलब कुछ ई रीडर्स आते हैं उसी में से कहीं से डाउनलोड करके मैंने वो पढ़ी थी। तो मैंने सोचा ऑनलाइन मज़ा नहीं आ रहा और वन पंच मैन एक अच्छी सीरीज़ है, तो मैंने सोचा कि हम उसकी फिजिकल बुक मंगवाते हैं ऑनलाइन। तो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कौन सी वेबसाइट से मांगा मंगवाई और वहाँ कौन कौन से टाइटल्स वहाँ पे मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो किसी मांगा रीडर के साथ, किसी ओटाकू या किसी विप के साथ। तो वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हर्षिल परमार एंड यू आर वॉचिंग एज पर हैक्स। और मेरे बालों को कटने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, बढ़ बढ़ के पूरा नीचे तक आ जाते हैं और कंधे पे टच होके ही ऐसे कुछ मुड़ जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा 2-3 दिन बाद बालों को भी कोई अच्छा सा सलून ढूंढ के कटवा लेते हैं। तो आपको ज़्यादा ना तड़पाते हुए मैं सीधा मांगा आपको बताता हूँ, अनबॉक्स करता हूँ और सारे डिटेल्स देता हूँ मैं। सो ये रहा पार्सल, नहीं ये तो मीवी का है, मीवी को अभी अनबॉक्स नहीं करना है क्योंकि एक पीस मंगवाया था लेकिन वो फॉल्टी आया। तो जब परफेक्ट पीस मिल जाता है उसके बाद उसका वीडियो बनाएंगे। सो ये रही हमारी मांगा, ये यहाँ थी, इसको यहाँ रख देता है। सो कुछ ये पैकेज में, ऐसे पैकेज में इन लोगों ने मुझे भेजी है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, क्या है ना छुट्टियाँ चल रही है, कोरोना छुट्टियाँ चल रही है और क्रिसमस भी है कल, तो बच्चे बहुत आवाज़ करते हैं और आजू बाजू वाले लोग भी। सो लेट्स ओपन बिना कोई देरी के और इसको मैं बड़े ही प्यार से खोलूँगा। वैसे इसमें कुछ ज़्यादा प्यार जैसा है नहीं जिस तरह मैंने खुला, लेकिन बहुत तड़पा ले ये लोग। एक और अंदर बॉक्स दे दिया, क्या कर रहे हैं यार। ये क्या है, हाथों से लिखा हुआ पत्र। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑर्डर, वी रियली अप्रिशिएट कॉमिक लेन। सो दिस इज़ द वेबसाइट comiclane.com। आई हर्षिल, HIEL, स्पेलिंग गलत है भाई। थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, अच्छा है। आगे देखते हैं ये डेथ नोट का वो बुक मार्क या जो भी कहते हैं इसको। वाह क्या बात है, इतनी जड्डी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी, आज तक नहीं, स्टडीज़ की भी नहीं या कोई भी कॉमिक वगैरह कुछ भी नहीं। सो दिस इज़ द बैक। और आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ कि जो जैपनीज बुक्स होती है वो उल्टी पढ़ी जाती है, अगर हम इंडिया की बात करें तो उससे उल्टी पड़ी जाती है। सो दिस इज़ द फ्रंट साइड, ये यहाँ से ऐसे ओपन होती है एंड यहाँ पे बस वही लिखा है वॉल्यूम 1 बाय योसुके मुराता, सही है। एंड दिस इज़ द बैक साइड। सो अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ है टाइटल, ये है आर्टवर्क, यहाँ लिखा है वॉल्यूम 1 स्टोरी बाय 1 आर्ट बाय योसुके मुराता। जो मैं कह रहा था फ्रंट बैक फालतू की बातें, तो मैं ये कह रहा था मांगाज यहाँ से शुरू होती है, जो इंडियन बुक्स में पीछे कहलाया जाता है, उल्टी बुक है ये, लेकिन वहाँ पे यही सीधी बुक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज, यहाँ पे सब टाइटल्स वगैरह दिया है, सेकंड थर्ड जो भी पेज है, और यहाँ से शुरू होती है मांगा। अगर मैं आपको फास्ट फास्ट बता दूं तो मांगा कुछ ऐसे दिखती है एंड दिस इज़ द बैक साइड। यहाँ पे इंडियन प्राइस रखी लिखी है 4.99, US का $9.99, कनाडा का 12.99, UK का 6.99। सो सब अलग अलग यहाँ पे प्राइसिंग लिखे है। और मैं बता दूं बेसिकली तो मांगा एक कॉमिक का एक सेक्शन ही होता है, एक कैटेगरी होता है, लेकिन मांगा कलरफुल नहीं आती, मांगा ब्लैक एंड वाइट आती है। और मांगा का
पढ़ने का तरीका भी अलग होता है कॉमिक बुक से। तो आप कह सकते हो मांगा एक कॉमिक है, लेकिन मांगा कॉमिक नहीं है, क्योंकि कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए होती है और ये जो मांगा होती है वो एडल्ट भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि एनीमे भी बच्चों के लिए होता है, बड़ों के लिए होता है। आप चाहे कितने भी बूढ़े या कितने भी बच्चे, कितने भी जवान हो, मेरा मतलब है। तो पता नहीं मैं इसको कितने दिनों में, कितने महीनों में, कितने सालों में पढ़ूंगा, लेकिन मज़ा आ गया भाई। जो मतलब क्या मतलब मज़ा आ गया, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कितनी खुशी भरी है। इतना खुशी तो मुझे आईफोन मिला था तब भी नहीं हुई थी। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैंने मांगा खरीदी थी, ये वन पंच मैन की मांगा खरीदी थी comicplane.com से। ये मुंबई बेस्ड ऑनलाइन स्टोर है, जो आपको आप वेबसाइट से ऑर्डर करोगे वो आपको कुछ 10-15-20 दिन में आपके घर पे आपको डिलीवर कर देगी। मैं कॉमिक प्लेन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो मांगा वाला पार्ट इतना ही था, अभी थोड़ा मैं व्लॉग भी कर लूँ नॉर्मल सा। एक लास्ट बार कहना चाहूँगा, आपको कॉमिक प्लेन से करना ऑर्डर था, कर सकते हो। बड़े ही अच्छी तरीके से वो लोगों ने भेजा, बुक में कुछ भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है, एक क्रीज भी नहीं है बुक के ऊपर, तो आप मंगवा सकते हो। और अभी मुझे बाहर जाना है बजाज के शोरूम में, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मेरे पल्सर में मैं स्लिप हो गया, मतलब मैं स्लिप नहीं हुआ था, बाइक स्लिप हो गया था। तो जो उसका हैंडल था वो थोड़ा राइट साइड से ऐसे मुड़ गया है, तो उसको ऐसे नॉर्मल परफेक्ट करवाने जाना है बाहर। और उसका जो विंडशील्ड होता है वो भी टूट गया है, तो उसका प्राइस पूछेंगे, क्योंकि टूटा हुआ पार्ट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा उसका भी प्राइस पूछ लेते हैं और हैंडल भी करवा लेते हैं बाहर, अगर कहीं पे बजाज के शोरूम में नहीं तो कोई गैरेज वैरेज पे तो मिल ही जाएगा, तो वही करवाने में अभी जा रहा हूँ। और इसको पढ़ना भी है, अभी बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है 2-3 दिन से मेरा। ये मेवी भी मंगवाया लेकिन फॉल्टी पीस आया, जैसा रिव्यूज़ में मैंने देखा था, लेकिन इसकी डिज़ाइन वगैरह अच्छी है, तो मैंने सोचा एक और पीस मंगवा के ट्राई कर लेते हैं। सो 2 बज चुके हैं, मैं बजाज के शोरूम में जाके और 1-2 गैरेजेस में और भी जाके आया, लेकिन कोई इसका हैंडल ठीक नहीं कर पा रहा था। सब कह रहे नया डलवा दो, नया ही डालना पड़ेगा, नहीं होगा। लेकिन गांधीनगर में मैं एक बंदे को जानता हूँ, मतलब मनन जानता था, और मतलब उसने उसका बाइक वहाँ ठीक करवाया, उन्होंने उसका बाइक का हैंडल भी ठीक किया था। तो मैं अराउंड 3-3:30 बजे गांधीनगर जाऊँगा, वहाँ पे करवा के आपको गांधीनगर में ही मिलता हूँ, क्योंकि अभी घर पे कुछ करने को नहीं है। तो आपको सीधा गांधीनगर जाके मिलता हूँ। तो गांधीनगर में आके मेरे 2 काम थे, दोनों काम हो गए। एक तो ये वाइज़र जो टूट गया था वो भी नया वाला लगा दिया, तो वो भी सस्ते में एक होलसेल की दुकान पे हो गया। और दूसरा ये हैंडल थोड़ा मुड़ गया था, वो 80-90% तक तो ठीक हो गया है। तो आई डोंट थिंक कि अभी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, मेरे अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि हैंडल मुड़ा हुआ है। अगर मेरे अलावा कोई चलाता है तो उसको ऐसा ही लगेगा कुछ गड़बड़ है बाइक में, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि थोड़ा सा हैंडल अभी तक मुड़ा हुआ है। और ये तो भैया नया आ गया, मज़ा आ गया, मतलब गांधीनगर आके मेरे 1000 रुपये बच गए, आई मीन 900 रुपये बच गए। जो शोरूम वाला मुझे 1000 में करके देने वाला था, वो इधर गांधीनगर आके मैंने सब 100 रुपये में करवा लिया। तो मैं आपको सीधा अभी घर जा कर ही मिलता हूँ। तो आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा था, क्योंकि आज के लिए जितने भी काम थे आज के दिन के, वो सारे काम हो गए। पल्सर का हैंडल ठीक हो गया, उसका वाइज़र आ गया, दूसरा ये मेरी मांगा आ गई, जिसका मैं 1.5-2 महीने से इंतज़ार कर रहा था। और मांगा हाथ में आने के बाद तो जो मज़ा है, मस्त है भाई मांगा। अगर आप एनीमे देखते हो तो आपको मांगा भी एक बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि एनीमे में बहुत सारे एनीमे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो मांगा में से बहुत सारे सीन्स काट देते हैं, मतलब जो मेन फाइटिंग वगैरह होते हैं वही रखते हैं, जो दूसरा होता है वो सारे बहुत सी स्टोरी वो लोग काट देते हैं, तो आपको मांगा भी पढ़नी चाहिए। सो अभी 6:08 हो रही है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और नीचे कमेंट करना कि आप मांगा खरीद रहे हो, या फिर आप अगर मांगा पढ़ते हो तो आप कहां से मंगवाते हो, क्या प्राइस होती है, और आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं वो भी नीचे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी दबाना, तो मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जब भी मैं वीडियो डालूँगा।
एक दो दिन बाद एक और व्लॉग आएगा, या तो वो ये मीवी कॉलर का आएगा या फिर मेरे बालों का कुछ तो वीडियो आ जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, सायोनारा, बाय बाय।